हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सी एम मनोज गुप्ता। इनकम टैक्स ट्यूटर में हम काफ़ी कुछ बेसिक प्रोविजंस रिलेटेड टू इनकम टैक्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है, और इंडिविजुअल्स के केस में कैसे इनकम टैक्स कंप्यूट किया जाता है, क्या टैक्स रेट्स दी गई हैं इंडिविजुअल्स के लिए। और उसके बाद हमने सरचार्ज को भी डिस्कस किया था, मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन केस ऑफ स्पेशल इनकम लाइक कैजुअल इनकम या फिर कैपिटल गेन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो डिस्कस किया असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए, जिसका कि प्रीवियस ईयर रहता है 2016-17। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑलरेडी मार्च 2018 चल रहा है और प्रीवियस ईयर 2017-18 भी ख़त्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, और उसके बाद मार्च 2018 के बाद आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए रहेगी। और अगर मैं प्रीवियस ईयर कहूँ तो प्रीवियस ईयर 2017-18 के लिए रहेगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी वीडियोस में डिस्कस किया वो था प्रीवियस ईयर 2016-17 के रिगार्डिंग, लेकिन 2017-18 प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो भी प्रोविजंस हमने डिस्कस किए हैं उनके अंदर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं सब बातों को, उन्हीं सब चेंजेस को आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं प्रीवियस ईयर 2017-18 के लिए। एक कंपेरेटिव व्यू हम आप लोगों के साथ रखेंगे कि 2016-17 में क्या था और 2017-18 में क्या रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स स्लैब रेट्स की। इंडिविजुअल्स के केस में, जैसा कि आप सब जानते हैं, टैक्स स्लैब्स दी गई हैं और जिनके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल केस की, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के केस में जो प्रीवियस ईयर 2016-17 में था वो था कि अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 रुपये तक है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है और 5,00,000 रुपये तक है, तो उस पर आपको 10% का टैक्स पे करना था, और 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक की आय पर आपको 20% टैक्स पे करना था, और 10,00,000 रुपये से ज़्यादा की आय पर आपको 30% का टैक्स पे करना था। तो इन टैक्स स्लैब में कुछ चेंज किया गया है। जो चेंज है वो यह है कि प्रीवियस ईयर 2017-18 में अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 रुपये तक है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर 2016-17 में भी ऐसा ही था, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है और 5,00,000 रुपये तक है, आपको इस इनकम पर 5% का टैक्स पे करना है, जो कि पिछले साल 10% का टैक्स था। तो यहाँ पर एक चेंज किया गया है, 2,50,000 रुपये से ज़्यादा इनकम पर, 5,00,000 रुपये तक की इनकम पर आपको 5% का टैक्स पे करना है, और 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक की आय पर आपको 20% का टैक्स पे करना है, जो कि पहले भी 20% ही था, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, और 10,00,000 रुपये से ज़्यादा की आय पर आपको 30% का टैक्स पे करना है। तो अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 10% की जो स्लैब है उसमें चेंज किया गया है। पहले जहां पर आपको 10% का टैक्स पे करना था, वहां पर अब आपको 5% का टैक्स पे करना है। और इसी तरह का चेंज इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन किया गया है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन जो टैक्स स्लैब रेट रहेगी, आपको 3,00,000 रुपये तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। पिछले साल भी 3,00,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना था। 3,00,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक की आय पर आपको 5% का टैक्स पे करना है। पिछले साल आपको 10% का टैक्स पे करना था। और उसके बाद की स्लैब बिल्कुल सेम रखी गई है, 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक की आय पर आपको 20% का टैक्स पे करना है, और 10,00,000 रुपये से ज़्यादा की आय पर आपको 30% का टैक्स पे करना है। और इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी 10% की टैक्स रेट थी ही नहीं, वहाँ पर 5,00,000 रुपये तक सीनियर सिटीजन को, वेरी सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स पे नहीं करना था। 5 से 10,00,000 रुपये तक की आय पर 20% का टैक्स पे करना था, और 10,00,000 रुपये से ज़्यादा की आय पर 30% का टैक्स पे करना था, जो कि अब भी वही रखा गया है। 5,00,000 रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, 5 से 10,00,000 रुपये तक की आय पर आपको 20% टैक्स पे करना है, और 10,00,000 रुपये से ज़्यादा की आय पर आपको 30% का टैक्स पे करना है। तो बेसिकली टैक्स स्लैब्स के अंदर ये चेंजेस किए गए थे। और अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही चेंज किया गया है,
जो 10% की स्लैब है वह 5% की कर दी गई है। उसके बाद सरचार्ज की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2016-17 में 15% का आपको सरचार्ज पे करना था अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको 15% का सरचार्ज पे करना था इन एडिशन टू इनकम टैक्स। प्रीवियस ईयर 2017-18 के अंदर इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेज कुछ इस तरह है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है आपको कोई भी सरचार्ज पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है तो आपको 10% का सरचार्ज पे करना होगा। और अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है आपको 15% का सरचार्ज पे करना होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम पर आप पहले भी 15% का सरचार्ज पे कर रहे थे और अब भी 15% का सरचार्ज आपको पे करना होगा। तो जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की टोटल इनकम के लिए आपको उस पर अब 10% का सरचार्ज पे करना है जो कि पहले आपको पे नहीं करना था। अब बात करते हैं जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A में जो चेंज किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में 5 लाख रुपए तक की अगर टोटल इनकम है तो आपको एक टैक्स रिबेट दी जाती है अंडर सेक्शन 87A जो कि रहती है 5,000 रुपए की, उसको कम करके 2,500 रुपए कर दिया गया है। कंडीशन थी कि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वह भी अब चेंज करके आपकी जो टोटल इनकम है वो 3,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तो असेसमेंट ईयर 2018-19 जो कि प्रीवियस ईयर 2017-18 होता है उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी टोटल इनकम 3,50,000 रुपये तक है तो ही आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट ले सकते हैं और जो रिबेट भी मिलेगी वो आपको सिर्फ 2,500 रुपये तक की ही मिलेगी। अभी हमने डिस्कस किया कि सरचार्ज में चेंज किया गया था, 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की इनकम पर 10% का सरचार्ज रखा गया था और 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इनकम पर 15% का सरचार्ज रखा गया था। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर आपकी मार्जिनल इनकम इंक्रीज होती है उसकी वजह से आपका टैक्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाती थी, तो यहाँ पर भी अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से इंक्रीज होती है तो भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से भी एक्सीड होती है तो भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको चेक करना होगा कि कितनी मार्जिनल रिलीफ के लिए आप एलिजिबल हैं और उसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, ये ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स एक इंडिविजुअल के केस में इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आया है टैक्स स्लैब्स के अंदर वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो आई होप जब मार्च 2018 के बाद आप इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो चेंजेज हमने डिस्कस किए हैं उनको आप माइंड में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। हम इस इनकम टैक्स ट्यूटर सीरीज़ के जरिए आपको पूरे इनकम टैक्स की नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।